तुझसे तो ना हो पाएगा। अगर ये लाइन सुन के आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्ष्य को छोड़ने का सोच रहे हो तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना, बहुत हिम्मत देगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी। एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा तो उसने अपनी मुर्गी माँ को पूछा कि माँ, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है? माँ कहती है, बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते? तो माँ कहती है, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बनकर वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब क्या मोरल निकलता है इस स्टोरी का पता है? लोगों ने कहा, आपने मान लिया, आपने ट्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं कुछ और हूं, वो सोचा भी नहीं और सेल्फ डाउट में ही आप खत्म हो गए। गाइज एक बात बताऊं, जीत अगर सुनिश्चित हो ना तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो, अपने आप पे भरोसा रखो।